देखते ही मुंह में पानी आ जाए, ऐसी है ये मीठे की रेसिपी। मुंह में घुल जाने वाला बहुत ही टेस्टी ये गुलाब जामुन हम सभी को बहुत पसंद आता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गुलाब जामुन की रेसिपी, जो सिंपल है बनाने में और एकदम परफेक्ट ही रेसिपी बनकर रेडी होगी। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाशनी को रेडी करना है। तो कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 2 कप चीनी और 2 कप ही हमें पानी डाल लेना है। हरी इलायची 4 से 5 मैं इसी तरह से डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसे खोल कर डाल लें या फिर इसका पाउडर भी डाल सकते हैं। लो फ्लेम पर अब चाशनी को हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब एक बोल में हमें लेना है 2 कप होल मिल्क पाउडर। होल मिल्क पाउडर ही हमें लेना है, स्किम्ड मिल्क पाउडर या फिर डेयरी व्हाइटनर से गुलाब जामुन नहीं बनते हैं। अब मिल्क पाउडर को बाइंड करने के लिए हमें लेना है 4 बड़े चम्मच मैदा। तो मैदा 4 टेबलस्पून इस तरह से काट कर हमें लेना है, पूरा भरकर इसे नहीं लेना है। तो मैदा डालने के बाद हमें इसमें डालना है 1 चम्मच 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। यहाँ पर हम बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे, बेकिंग पाउडर ही हमें डालना है। अब ये जो ड्राई सारी चीजें हैं इन्हें हम पहले मिक्स कर लेते हैं। 1/2 चम्मच हरी इलायची का पाउडर भी डालकर मिक्स कर लेते हैं। इस मिक्सचर में पहले डालना है 2 बड़ा चम्मच घी। देसी घी में डाल रही हूँ, आप चाहें तो वनस्पति घी या फिर तेल भी डाल सकते हैं। घी को ड्राई मिक्सचर के साथ पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हमें इसमें दूध डालना है। अब दूध मैं इसमें डाल रही हूँ, तो पहले हम 1/2 कप दूध इसमें डाल देते हैं। हमें ये सारी चीजों को मिक्स करना है। ज्यादा इस मिक्सचर को हम गूंदेंगे तो ग्लूटेन फॉर्म होगा और ग्लूटेन गुलाब जामुन को सख्त बना देता है। तो 1/2 कप दूध मिक्स करने के बाद इसमें और दूध डालेंगे 1 बड़ा चम्मच। मिक्स करते जाएंगे इसे, फिर से मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच। ये मिक्सचर जो बनेगा वो एकदम चिपचिपा होना चाहिए, हाथों पर आपके एकदम चिपक जाए ऐसा मिक्सचर ये रहेगा। अब जब सारी चीजें मिक्स हो जाए तब हम ये मिक्सचर को हाथों से छुड़ा लेंगे और फिर इसे ढककर हम रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह से। चाशनी की तरफ आते हैं, चीनी सारी घुल चुकी है। अब लो फ्लेम पर इसी तरह से हमें पकाना है चाशनी को 4 से 5 मिनट के लिए। चाशनी में 1/2 नींबू का रस भी डाल देते हैं ताकि ये क्रिस्टलाइज न हो, जमे नहीं। 1 तार या 2 तार की चाशनी हम नहीं करेंगे, ज्यादा गाढ़ी अगर चाशनी बनेगी तो गुलाब जामुन में ये अब्सॉर्ब नहीं होगी और गुलाब जामुन हमारे सख्त ही रह जाएंगे। तो चाशनी का फ्लेम अब मैंने बंद कर दिया है। गुलाब जामुन के मिक्सचर की तरफ आते हैं। ढक्कन हटाने के बाद स्पैचुला की मदद से हम इस तरह से एक तरफ ये सारा मिक्सचर कर लेंगे। जैसी साइज का और शेप का हमें गुलाब जामुन बनाना है बस उतना ही पोर्शन हम लेंगे। ज्यादा इसे हथेली पे हमें मसलना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से इसके हम इस तरह से बॉल्स बना लेते हैं। बस ध्यान रहे कि बॉल्स हमें बिना क्रैक के बनाना है। वैसे मिक्सचर इसका इतना चिपचिपा होता है कि इसमें क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो सारे गुलाब जामुन हम बनाकर इस तरह से रेडी रख लेते हैं। तेल या घी को हम गरम कर लेंगे एकदम लो फ्लेम पर। तो करीब 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर मैंने तेल को गरम कर लिया है। गरम तेल में पहले हम छोटा सा एक बॉल डाल लेते हैं, चेक करेंगे इसे कि ये फटता नहीं है और ऊपर आके अच्छी तरह से फूल जाता है। तो ये ऊपर आ चुका है, गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट बना है। तो अब एक एक करके गुलाब जामुन हम डाल लेते हैं। लो फ्लेम पर गुलाब जामुन को पहले 2 मिनट के लिए इसी तरह से हम छोड़ देंगे। एक तरफ से ये थोड़ा ज्यादा लाल हो जाता है, लेकिन जब हम इसे फ्राई करेंगे अच्छी तरह से तो ये सारी तरफ से एक ही जैसा कलर ले लेगा। अब हल्के हल्के हाथों से लो फ्लेम पर ही गुलाब जामुन को हमें फ्राई करना है। लगातार इसे चलाते जाना है हल्के हाथों से ताकि हर तरफ अच्छा सा गुलाब जामुन के ऊपर गोल्डन कलर आ जाए। जब गुलाब जामुन हर तरफ से सुनहरा रंग ले लेगा, इसके बाद हम 15 से 20 सेकेंड के लिए फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और अलट पलट करते हुए गुलाब जामुन को चला लेते हैं। इस तरह से लास्ट में थोड़े हाई फ्लेम पर गुलाब जामुन को पकाने से ज्यादा तेल गुलाब जामुन में अब्सॉर्ब नहीं होगा। अब सारा तेल ड्रेन करके गुलाब जामुन को हमें चाशनी में डाल देना है। सारा गुलाब जामुन चाशनी में डालने के बाद चाशनी को हमें गुलाब जामुन के साथ पकाना है मीडियम फ्लेम पर। जैसे ही आप देखें कि मीडियम फ्लेम पर एक उबाल आ गया है, कढ़ाई का हम ढक्कन लगा देंगे। ढककर अब गुलाब जामुन को चाशनी में हमें पकाना है एकदम लो फ्लेम पर बस 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद ढक्कन को लगा ही रहने देना है, ढक्कन हटाना नहीं है और इसे इसी तरह से 2 घंटे के लिए हम छोड़ देते हैं।
2 घंटे बाद जब आप ढक्कन हटाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतने खूबसूरत, इतने लजीज और इतने टेम्पटिंग गुलाब जामुन बनकर रेडी हो गए हैं। परफेक्ट जालीदार ये गुलाब जामुन बना है, चाशनी को इसने अच्छी तरह से अब्सॉर्ब कर लिया है। जब आप इसे सर्व करें तो ऊपर से बारीक चॉप किया हुआ पिस्ता या कोई भी अपनी पसंद का ड्राई फ्रूट डाल लीजिए। तो है ना ये सिंपल और आसान सी रेसिपी, फटाफट से आप ये बढ़िया से गुलाब जामुन मिनटों में घर पर बनाकर रेडी कर सकते हैं।